सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में तो जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्टरी दी थी, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर और भी थी जो बतानी थी, लेकिन ड्यू टू सम लैक ऑफ टाइम मैं आपको नहीं बता पाया। लेकिन अब हम सीखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीज़ों की हमें नेसेसरी जो ज़रूरतें हैं वो पड़ेंगी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जिसका नाम है ई कार्ट, ई कॉमर्स कह सकते हैं आप इसे। तो सिंपली इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी वो है सोर्स कोड की, जो कि आपको मैं प्रोवाइड करूँगा रीजनेबल प्राइस पे। प्राइस उनके भाग में जाना, रीजनेबल, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है, पूरी वीडियो देख के जाएँ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई देर इज़ ऑल्सो क्रैक वर्जन अवेलेबल ऑनलाइन फॉर दिस सेम सोर्स कोड, दैट इज़ ई कार्ट ई कॉमर्स ऐप। लेकिन मैंने भी किया था वो ई कार्ट क्रैक वर्जन डाउनलोड, ठीक है, लेकिन उसके मुझे क्या नतीजे भुगतने मेरे पड़े कि उसमें जो पेमेंट गेटवे था वो नहीं था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेमेंट गेटवे भी नहीं था, प्लस डाटाबेस जो था वो एक्सपायर्ड हो चुका था, और प्लस यूज़र नेम जो डाटाबेस का था वो भी नहीं उसने भरा हुआ था अच्छे से। अब ये भुगतान मुझे भुगतने पड़े, और भी काफ़ी सारे थे, देर आर लॉट ऑफ बग्स सीम्स टू हैव इन द सोर्स कोड। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सोर्स कोड प्रोवाइड करूँगा, आपने सिंपली लिखना है androidtask.com। सबसे पहली चीज़ तो आपके फुलफ़िल करनी ही होगी, आपको सोर्स कोड चाहिए होगा प्लस एडमिन पैनल, दोनों चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए सोर्स कोड के बंदे कितने चार्ज करते हैं, 500 रुपीज़, एडमिन पैनल के अलग से टोटल कितने हो गए 1000। अगर आपको मैं अपना प्राइस बताऊँगा ना, आप हैरान रह जाएंगे कितने कम प्राइस में। चलिए मैं अपने एडमिन androidtask.com लिखा यहाँ पे, और ये मेरी ही साइट है, तो आप बेफिक्र रहें, डरना मत, ठीक है, बेफिक्र रहें। अब ये मेरी ही साइट है, इसको मैं लॉगिन करता हूँ, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं रजिस्टर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं लॉगिन करता हूँ सिंपली, ओहो लॉगिन किया। यहाँ पे मैंने अपने ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे कुछ दो चीज़ें ऐड करी हुई हैं, इस पर क्लिक करता हूँ। इन दो चीज़ें जो ऐड करी हुई हैं ये है ई कार्ट सोर्स कोड, एडमिन पैनल, फुल इंटीग्रेशन वीडियो प्रोसेस इनसाइड, जो कि मेरी ये वीडियो की प्लेलिस्ट होगी, तो बेफिक्र रहें, ठीक है। आप इसे बाय कर सकते हैं, बाय कैसे करना है सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, रजिस्टर करना है। इसका प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी लोग होंगे कि वही सोच रहे होंगे, पता नहीं 1500 लगा दिए होंगे, कितने लगा दिए होंगे। शॉप पे आता हूँ, यहाँ पे गया, देखिए 99 रुपीज़ सोर्स कोड डेट इज़ पेएबल। मैंने अपने आप पे किए हैं, किसको पे किया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ई कार्ड सोर्स कोड लिखूँगा, यहाँ पे जाऊँगा कोड kayon.net को में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका प्राइस है $29। यही सेम प्रोजेक्ट मैंने आपको कितने में दिया है, ₹99। देर इज़ नो नीड टू वरी, सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करी है, इनफैक्ट कि मैंने आपको जो चीज़ प्रोवाइड नहीं थी इस एप्लीकेशन के अंदर वो भी मैंने ऐड करी है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया क्या कुछ नहीं था, ठीक है। अब ये आपकी इच्छा है कि आप यहाँ से परचेज़ करें या यहाँ से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा यहाँ से कम चार्जेस पड़ रहे हैं, यहाँ वहाँ से करेंगे तो इतने चार्जेस पड़ेंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट पार्ट था, चलिए मैं यहाँ पे इसको डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, मैंने तो परचेज़ करा ही हुआ है। ऑर्डर पे जाऊँगा, व्यू पे जाऊँगा, तो इसे मैं डाउनलोड पे लगा देता हूँ उतनी देर। तो सेकंड पार्ट में आपको बता देता हूँ कि क्या चाहिए आपको। सेकंड में आपको चाहिए एक होस्टिंग, बढ़िया सी होस्टिंग परचेज कर लो, होस्टिंगर इज़ दी बेस्ट प्लेटफॉर्म, जो कि मैं आपको रेफ़र करूँगा, बहुत कम प्राइस में आपको इसकी होस्टिंग मिलती है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसको मैं कोई अपना लिंक नहीं प्रोवाइड कर रहा नीचे, और इन्होंने मेरे को कोई वो नहीं किया स्पॉन्सर, जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ अपने जो मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ये दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और एक और तीन थर्ड चीज़ जो की थी एंड्रॉयड स्टूडियो, तो पीसी तो चाहिए ही, पीसी नहीं होगा तो आप कैसे डेवलप कर पाएंगे। बस ये तीन चीज़ें आपको चाहिए, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो गुड टू गो होगी,
इस तरह से आपकी एप्लीकेशन रन होगी। देखिए मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपकी एप्लीकेशन रन होगी। डाटा फेच होगा, कहाँ से फेच होगा मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन अब सिंस जब तक ये सोर्स को डाउनलोड नहीं हो रहा है तो हम एप्लीकेशन को ऐसे ही दिखा देते हैं आपको कि क्या कुछ है इस एप्लीकेशन में, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखी है। ठीक है, और ये एप्लीकेशन मैंने प्ले स्टोर में भी चढ़ा देनी है, बस मैंने प्ले कंसोल अकाउंट खरीदा है जस्ट अभी, तो उसे मैं चढ़ाऊँगा। उसमें भी थोड़ा सा एक हफ्ते का टाइम लेता है रिव्यू में प्ले स्टोर वाले। तो फिलहाल हमारी जो ये जिप फाइल है ये है इंस्टॉल हो चुकी है, इसको शो इन फोल्डर करता हूँ। अब इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, एंड देन मैं चला जाता हूँ अपने सी ड्राइव में, यहाँ से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। सो देखिए हमारा यहाँ पे सोर्स कोड पेस्ट हो चुका है जिसका नाम है मेन कोड। अब इसे सिंपली हमने एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलिए एक्सट्रैक्ट कर होने देते हैं। सो देखिए कितना टाइम ले रहा है, कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है। हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं आपको एक बढ़िया टूल बताता हूँ, सबसे बेस्ट टूल जिसकी हेल्प से आप एक्सट्रैक्ट विद इन फ्यू मिनट्स कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक टूल इंस्टॉल करा हुआ है 7zip। ठीक है, इस पर मैं आऊँगा, यहाँ पे आपको चले जाना है आपके सी ड्राइव पे और मेन कोड जोड जिप को एक्सट्रैक्ट करना है और ओके प्रेस करना है। देखिए कितनी फास्ट और कितनी जल्दी हमारा यहाँ पे जो काम हो रहा है एक्सट्रैक्शन का, जो अनजिप हो रही है फाइल्स, कितने आराम से प्यार से लस्सी की तरह यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो अनजिप हो गई। अब हमने सिंपली क्या करना है, मेन कोड पे आ जाना है। इस मेन कोड के अंदर मैंने एडमिन पैनल दे रखा है। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बड़ा बड़ा एडमिन पैनल, और ये क्या चीज़ है, ये है हमारा सीक्वल फाइल्स, जिस पे आपको जिस तरह से आपकी जो फाइल्स हैं लाइक PHP फाइल्स प्लस सीक्वल फाइल्स जहाँ पे आपको पेश करनी है, जो कि है होस्टिंगर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपने होस्टिंग परचेज करी हुई है। तो ऐसे तो ही आपको पता लगेगा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इसे बैक बैक करता हूँ, लोकेशन क्या है, सी में सी ड्राइव में मेरा मेन कोड है वो लोकेशन है, बस आपको इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। आपने भी ऐसे करना है, आपने परचेज किया यहाँ से, परचेज करने के बाद आपने उसको जिप फाइल में किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया, आपने सिंपली लोकेशन याद रखी। अब आपको आना है होस्टिंगर में या फिर कोई भी आपने होस्टिंग जहाँ से खरीदी हुई है, आपको वहाँ पर आ जाना है, सिंपली यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। सो इसे हम लॉगिन करते हैं, इंडिया के सर्वर से ही हम करना चाहेंगे, भारतीय हैं हम। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारा विदाउट एनी प्रॉब्लम कोई इशू नहीं आया, लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मैनेज पे। ठीक है, मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नया सब डोमेन क्रिएट करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। इस सब डोमेन का मैं नाम रखूँगा vivekdhiman.androidtask.com। ये मैं लाइव ही रखूँगा, आप इसका एक्सेस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ, हमारा सब डोमेन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इस सब डोमेन को लाइव कैसे करना है, लाइव करने के पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारा यहाँ पे फाइल मैनेजर होता है, उस पर जाना है। जो भी मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ ना, आपको सिंपली वही चीज़ फॉलो करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं एफर्ट लगाने है। ठीक है, सारे एफर्ट्स मैं ही लगाऊंगा, सिंपली आपने जस्ट फॉलो करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विवेक धीमान नाम का फोल्डर, आपको इस पर क्लिक करके जाना है। ये बाई डिफ़ॉल्ट PHP एक पैनल बना होता है, उसको आपको डिलीट करना है। ठीक है, सिंपली डिलीट हो गया। अब इसके बाहर आपने आ जाना है और आपको यहाँ पे अपलोड की फाइल की ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगी, आपको सिंपली public_HTML पे क्लिक करना है। यहीं पे आपको अपलोड फाइल की ऑप्शन दिखेगी, इस पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें। क्या सिलेक्ट करना है, मैंने आपको एक लोकेशन याद करने को कहा था जो कि थी सी ड्राइव, जो कि मेरी थी, आपकी भी कोई अलग लोकेशन होगी। इसके मेन कोड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे PHP फाइल्स ढूँढनी है। ठीक है,
PHP फाइल जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ई कार डॉट जिप, ठीक है, अपलोड करें, बेफिक्र होकर अपलोड करें, कोई टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई आपके साथ है, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा आपके PHP में, एडमिन में कोई एरर नहीं आएगा आपका होस्टिंग कर, जहाँ पे भी आपने होस्टिंग ले रखी है। ये एक प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना होता है आपकी साइट को लाइव करने के लिए, काफ़ी लोगों को पता होगा, ठीक है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा इस करके बताना पड़ता है। देखिए यहाँ पे हमारी ई कार डॉट जिप फाइल आ गई, अब इसे हमने सिंपली इसके अंदर भी एक्सट्रैक्ट कर देना है। नाम याद रखना, नाम भूल के तो काम खराब हो जाएगा। ई कार डॉट जिप था और ई कार्ट हमने अभी फोल्डर का नाम रखा, देखिए ई कार्ट यहाँ पे आ गया। अब जो पुराना फोल्डर है क्यों स्पेस भरनी फालतू की, हमें इसे डिलीट कर देना है। मेन मुद्दा तो यह है कि हमने इसे ही यहाँ पे एक्सेस लेना था। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ई कार्ट पे क्लिक किया आपके सामने, फिर से ई कार्ट के क्लिक किया और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर देना है जैसे कि मैंने किया। सिंपली शॉर्टकट कल्ले कल्ले मत करने लग जाना, ऐसे बहुत टाइम लगेगा, आपको सिंपली सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको दिखेगी मूव की ऑप्शन, मूव पे क्लिक करें, यहाँ पे चेंज पे क्लिक करें और यहाँ पे पब्लिक HTML में आ जाएं। हमने क्या नाम से बनाई थी, विवेक धीमान, तो इस पर क्लिक करें, मूव कर दें। अभी सारी फाइल्स का एक्सेस हमारे कहाँ चला गया, विवेक धीमान के अंदर, और जो ई कार्ट है हमारे लिए फालतू होगी, इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब विवेक धीमान के अंदर सारी फाइल्स आ चुकी हैं। अब मैं जैसे यहाँ पे विवेक धीमान डॉट एंड्रॉयड टास्क लिखूँगा, कोई अभी इंटरफेस नहीं आएगा क्योंकि हमने SQL डॉट एडमिन, जो SQL है माई SQL डाटाबेस, उस पर भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वो कैसे करनी है मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पे एरर आएगा, बड़ा एरर आ जाएगा कि जैसे हम इसे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ एडमिन, लॉगिन किया, देखिए यहाँ पे ये बस चक्की घूमती रहेगी, बाकी कुछ नहीं होगा, देखिए बस चक्की घूमती रहेगी। सो आपको वेट नहीं करना है, ये 5-6 मिनट लेगा। क्या करना है आपको, सिंपली आपको डाटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है, यहाँ पे माई SQL डाटाबेस में मैं आऊँगा, यहाँ पे आपको सारे अपने डाटाबेस देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपने विवेक धीमान जिस नाम से भी आपने क्रिएट किया है दोनों तरफ वही नाम रख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। पासवर्ड हम लिख देते हैं कुछ भी, लाइक विवेक _@ कैपिटल, सब कुछ कैपिटल रखा है मैंने, विवेक @123, ओके, क्रिएट किया। सो पासवर्ड 1 लेटर, ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ capital V small a @123, क्रिएट किया। और यहाँ पे क्या आ रहा है, अब पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 नंबर, 123 एंड 1 अपर केस एंड एट लीस्ट, ओके ओके, 8 करेक्टर का होना चाहिए। यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, विवेक @123 एंड डॉट, देखिए क्या नई चीज़ सीखने को हमें मिल रही है कि भाई 8 अक्षर का होना चाहिए। सभी चीज़ें तो पहले से मुझे पता ही थी, मैं शो कर देता हूँ पासवर्ड, बाद में मैंने चेंज ही कर देना है, क्या फ़ायदा होगा आपका। जस्ट आपको मैं एडमिन पैनल का ही एक्सेस दूंगा, बाकी तो पासवर्ड चेंज कर ही देना है, तो क्यों सिर खपाई करनी है आपने, है ना। तो सिंपली यहाँ पे मैं Ctrl+C करूँगा पासवर्ड को और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए हमारा पासवर्ड कितना अच्छा लग रहा है, बस सब्सक्राइब कर देना, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं, वाह जी वाह, ये हमारा डाटाबेस, नीचे नहीं करूँगा ज़्यादा, आपको बाकी डाटाबेस भी दिख जाएंगे मेरे। अब देखिए हमने सिंपली कॉपी किया, देखिए दोनों तरफ सेम है, इस करके मैंने बोला था दोनों जगह विवेक धीमान लिखना, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दोबारा से अपने फाइल मैनेजर में आ जाना है होस्टिंग की, और जिस नाम से आपने क्रिएट किया था लाइक विवेक धीमान, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आपको ढूंढना है इंक्लूड्स, क्या ढूंढना है इंक्लूड्स, सो हम ढूंढते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमें मिल गया, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे crew.php इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको वो अपनी साइट, जिस जो साइट है उसको ऐड करना है। यहाँ पे मैंने एस क्यों हटाया बताइए, अगर आपको पता है तो खुद बता दे कमेंट करके, मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारी जो साइट में अभी वो नहीं लगा हुआ, क्या नहीं लगा हुआ, ताला जिसे हम SSL बोल देते हैं, SSL सर्टिफिकेट नहीं अटैच करा हुआ। और हमने सिंपली क्या करना है, अपनी साइट को सिंपली कॉपी करा और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। अरे 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 ये क्या हो गया, इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और लास्ट में ये जो डंडा है ना, ये
लैंड सीज को आपने रिमूव नहीं करना है, ठीक है। और ये दो दो बार यहाँ पे भी हो गया, चलिए ये काम हो गया हमारा ख़त्म। अब दूसरी चीज़, और ये है कि आपको आपका डाटाबेस का यूज़र नेम जो आपने अभी कॉपी किया था, यहाँ से वही यहाँ पे पेश करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ। ओहो ये क्या हो गया, कॉपी फिर से कर लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, पेश कर देते हैं। देखिए, और डाटाबेस का नेम भी हमारा सेम था, और पासवर्ड मैंने जैसा कि बात था बाद में चेंज कर ही देना है, तो इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ विदाउट एनी स्पेस। अब इसे मैं सेव एंड क्लोज करूँगा। अब हमारा लॉजी पीएचपी वाला जो काम है वो ख़त्म हुआ। अब काम शुरू होगा माई सिक्वल डाटाबेस का, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर माई पीएचपी एडमिन करूँगा, किसके लिए, वेग धीमान जो हमने अभी क्रिएट किया था डाटाबेस उसके लिए। चलिए हमारा सिक्वल डाटाबेस भी यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या चीज़ करनी है, ये देखिए हमारा ये है ना, खाली पड़ा है सब कुछ, बिल्कुल ब्लैंक है, इसका दिमाग भरना है हमने। तो किस तरह से भरना है, यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे आपने ओपन किया मेन कोड, मेन कोड आप यहाँ पे एडमिन पैनल फाइल्स पे गए, यहाँ पे गए ई कार्ट ब्लैंक, ये सिक्वल फाइल है ना, तो सिक्वल फाइल आपको सिंपली कॉपी करनी है, ओपन करनी है मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। बस इतना सा काम है आपका, और आपकी साइट गुड टू गो होगी। यहाँ पे जैसे कि मैं इसे रन कर देता हूँ, देखिए हमारी साइट यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे हम इसे लॉगिन करते हैं। पासवर्ड क्या है, एडमिन यूज़र नेम क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ भी नहीं छुपाऊँगा, एडमिन, ठीक है। पासवर्ड क्या है ये मैंने आपके लिए छोड़ा, ठीक है, आप देख सकते हैं, 123, एडमिन 123 इज़ दी पासवर्ड, एडमिन 123। लॉगिन करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पासवर्ड यहाँ पे गलत बता रहा है क्या, एडमिन एडमिन 123। सो ये क्या हो गया, मैंने मुझे लगता है कि पासवर्ड जो है वो यहाँ पे गलत डाल दिया है, विवेक एट द रेट 123, विवेक एट द रेट 123 डॉट, नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गुड टू गो। फिर से हम पासवर्ड भरते हैं एक बार, एडमिन। सो गाइज मैंने सब कुछ उड़ा दिया, रिफ्रेश किया, कैचे जो था ना, कैचे एक ऐसी चीज़ है जो कि इतनी बार आपको तंग करेगी ना। देखिए होस्टिंगर में होता क्या है, जब आपको चीज़ अपडेट करते हैं ना, आपको सिंपली फिर से रीरन करनी होती है। तो मैंने क्या करा, अपना क्रोम बंद किया, फिर से चालू किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विवेक धीमान डॉट एंड्रॉयड डॉट कॉम पे आया, और रीलोड करते हैं, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि मेरे सर्वर बहुत ज़्यादा लोड रहता है मेरे सर्वर पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने रीलोड किया, हो गया। अब एडमिन हमारा यूज़र नेम है, एडमिन 123 हमारा पासवर्ड है। देखिए हमारा एडमिन पैनल हमारे सामने है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि इनको कैसे आपने यूज़ करना है अपनी ऐप बनाने के लिए। तो अब तक के लिए इतना ही। अब मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि आप वो जो रेड आइकन आपको, रेड बटन आपको नीचे दिखता है, उसको तोड़ो, मरोड़ो, फरोड़ो, जो मर्जी करो उसको दबा दो। नोटिफिकेशन वाली जो बेल आइकन है उसको भी दबा ही दो। क्या आ जाएगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 सेकेंड ही लगने हैं। तो बस अब तक के लिए इतना ही। हैव नाइस डे, गुड डे।